अर्मेनिया और अजरबैजान की जंग का अब 35वां दिन है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने शांति वार्ता की है, जिनेवा में हुई है इन दोनों देशों के मंत्रियों की बात। शांति वार्ता फ्रांस, रूस और अमेरिका के दूतों से मिलने को तैयार हैं अब अजरबैजान और अर्मेनिया के विदेश मंत्री और दूत। जिनेवा में दोनों देशों के बीच मंत्रियों की जो बातचीत हुई है वो काफी अहम है। फ्रांस, रूस और अमेरिका के दूतों से मिलने के लिए तैयार भी हैं। अर्मेनिया और अजरबैजान जंग का लेकिन 35वां दिन दूसरी तरफ जारी है। कपिल कुमार जी, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच शांति वार्ता हुई है, क्या शांति होते हुए हम देख पाएंगे? हम देख रहे हैं क्योंकि इसमें कई और देश हैं, तुर्की है और बाकी देश जिनका स्टेक है इसमें, जो चाहते हैं कि ये जंग होती रहे। तो शांति वार्ता के बाद शांति स्थापित होगी या जंग होती रहेगी? मैंने पहले दिन से कहा है कि ये एक लेबोरेटरी की तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में शाहीन बाग का एक लेबोरेटरी बनाकर एक्सपेरिमेंट किया गया था पूरे देश में फैलाने के लिए, इसी तरीके से ये अर्मेनिया और अज़रबैजान वाला जो है ये युद्ध एक लेबोरेटरी की तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं, अरे भाई रूस जब देख रहा है टर्की ये कर रहा है, फ्रांस ये देख रहा है टर्की ये कर रहा है, तो क्यों नहीं हमला करते टर्की के ऊपर? और सब देख रहे हैं कि आईएसआई के जो जिहादी हैं वो अर्मेनिया के ऊपर हमला करने वहां पे आ रहे हैं, सैटेलाइट से सब देख रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको रोकते? इसलिए हर कोई अपने स्वार्थ के हिसाब से वहां पे लगा हुआ है। किसी को तेल चाहिए, किसी को गैस लाइन चाहिए, किसी को अपने हथियार बेचने हैं और किसी को वहां पे जिहाद चाहिए ईसाइयों के खिलाफ। ये लेबोरेटरी है, ये नहीं रुकेगी। क्या क्या अचल जी, आप भी मानते हैं कि लेबोरेटरी है? 1-2 लाख आदमियों के मरने के बाद में आप क्या लड़ाई रोक लेंगे? और वहां की जनसंख्या ही कितनी है? वहां की जनसंख्या भी कुछ लाखों में ही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।